नमस्कार मेरे साथी डॉक्टर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अपने जनरल फिजिशियन, खासतौर पर अपने वे साथी डॉक्टर जो अभी भी प्रैक्टिस में अपने ग्रेजुएशन पूरा करके आए हैं और उनके पास गुर्दा रोग से संबंधित पेशेंट आता है और उसको पूरा आराम नहीं दे पाते, तो हमने बात की थी कि मरीज के जो ब्लड आ रहा था वो किस टाइप से ब्लड आ रहा था, स्टेन या फिर ड्रॉप लाइक और लाइक ए जेट। इसको हमने डिस्कस किया कि स्टेन अगर कपड़ों में आता है, ओजिंग जैसा है, तो फिशला पैनलस ऑप्थस अल्सर, पैनल एक्सेस वगैरह हो सकता है, कोरिलेशन पेन से करना पड़ता है। अगर ड्रॉप लाइक या धार जैसा, खड़ी धार जैसा आ रहा है, प्रिफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, ड्रॉप लाइक ब्लीडिंग हो रही है, टप 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 खून गिरता है, तो फिशर क्रोनिक एक्यूट हो सकता है, तो सर भी रेयर केस में हो सकता है, क्रॉन डिजीज रेयर केस में हो सकता है। ब्लीड अगर आ रहा है तो फिशर होगा एक्यूट या क्रोनिक होगा, डिपेंड करता है ब्लीडिंग कैसी है, कोरिलेशन पेन से करना पड़ेगा। नंबर तीन में हमने कहा कि अगर पेन बहुत कम है या फिर नहीं है पर उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पिचकारी जैसी मेन चीज़ है, कीवर्ड की पॉइंट जेट लाइक ब्लीडिंग अगर है तो उसके इंटरनल हेमराइड, ये होगी पेन ब्लड की बात। कोरिलेशन हमको करना होता है डायग्नोसिस करने के लिए पेन से, तो बात करेंगे पेन से। पेन कई प्रकार का हो सकता है, हमको मरीज से पूछना है कि सबसे पहली बात, मरीज जब क्या डिफिकेशन के समय पेन होता है तो हमको उसे सवाल करना है कि केवल डिफिकेशन के समय पेन होता है या पूरे दिन बना रहता है या दो चार घंटे की बात कम होता है। इस सवाल से हमको अंदाज़ा लगेगा कि उसके इन्फ्लेमेशन है तो किस लेवल तक है। अगर उसके पेन लगातार पूरे दिन बना रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फिशला का पेशेंट हो सकता है, जिसमें माइल्ड पेन लगातार बना रह सकता है। फिशला के शुरुआती फेज में अक्सर मरीज को पैरल एक्सेस बनता है जो कि बाद में फिशला में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक्सेस होगा तो बहुत तेज सीवियर पेन होगा, माइल्ड तो आमतौर पर नहीं होता, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है पर वो परमानेंट बना रहता है। पेन किलर एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी लेता है, आराम आता है, लेकिन उसका असर खत्म होते ही फिर से चालू हो जाता है पेन। तो अगर पेन उससे परमानेंट बना रहता है तो मतलब कि उसके पैरेलल एक्सेस भी हो सकता है। सीवियर पेन है तो एक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मॉडरेट पेन है या माइल्ड पेन परमानेंट पूरे दिन बना रहता है तो पैरेलल साइनस या उसके साथ में फिशला भी हो सकता है। नंबर दो पे पेन आता है उसका, ऐसा पेन जो डिफिकेशन के समय होता है। सवाल करना है ठीक ड्यूरिंग डिफिकेशन हो रहा होता है पेन, जब स्टूल बाहर निकल रहा होता है नसें, तब पेन हो रहा होता है। स्टूल का जब प्रेशर बनता है तब पेन शुरू हो जाता है और डिफिकेशन में बढ़ जाता है, ये सवाल करना है। पेन क्या उसका ऐसे होता है कि डिफिकेशन के बाद दो चार घंटे बाद कम हो जाता है, फिर पूरे दिन 10-12 घंटे तक बना रहता है, ये सवाल करना। इससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके जो पेन का कॉज है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कट का होना, फिशर की वजह से ही आला पेन होगा, ऐसा पेन होगा अधिकतर केस में। पैनल एक्सेस में भी ऐसा हो सकता है जो ये सिम्टम है, पर उसमें ब्लीडिंग होगी साथ में फिशर में, आमतौर पर ब्लीडिंग होगी, ड्रॉप लाइक होगी, स्टेन भी हो सकता है। पर मरीज का जो पेन है वो मॉडरेट टू सीवियर भी होगा। पेन उसको जब डिफिकेशन हो रहा होगा तब पेन शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ा सा पहले जब ऐसे ही प्रेशर बनना शुरू हुआ और इंटरनल इन्फेक्टर टू प्रेशर जैसे ही पड़ा हुआ, वैसे उसका पेन स्टार्ट हो जाएगा और पेन फिर दो चार घंटे, डिपेंड करता है कि फ्रेशर कितना बड़ा है। अगर एक्यूट है तो एक दो घंटे में, आधे घंटे में कम हो सकता है, अगर क्रॉनिक है तो दो चार घंटे, छः घंटे, 10 घंटे तक भी बना रह सकता है। अगर ऐसा है तो ये फिशर के सिम्टम्स है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है जेट लाइक और पेशेंट को पेन नहीं है या फिर बहुत माइल्ड पेन बताता है, तो डेट इज़ द क्लियर सिम्टम ऑफ इंटरनल हेमराइड। तो ये पेन की मोटी बात है, अभी आगे पेन के ऊपर डिस्कस करना और बाकी है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि पेशेंट, क्योंकि अक्सर बोर होने लगते हैं साथ के डॉक्टर्स। मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर, डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और क्षार सूत्र विशेषज्ञ। आपसे अगले वीडियो में और डिस्कस होता रहेगा। मैं फिर से अपनी ये बात कहूँगा, दोहराता हूँ हमेशा कि यदि कोई क्वेरी है तो आप मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और पुरानी बात कि ये वीडियो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रिक्टली केवल मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है, रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स के लिए है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है। इन वीडियोज़ को देख के सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए घातक हो सकता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।